अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी आंसा महरीन। आज की वीडियो भी जनरल नॉलेज के हवाले से है, जिसमें नॉलेज ऑफ कुरान को डिस्कस किया गया है। इसके साथ साथ वो तमाम क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेडली हर जॉब टेस्ट पे पूछे जाते हैं इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से, उनको डिस्कस किया गया है। तो चलें, टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कुरान पाक में टोटल कितनी सूरतें हैं, तो इसका जवाब है 114। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन होली कुरान, कुरान पाक में टोटल कितनी आयात हैं, तो 6666 आयात हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है, तो ये सूरत कौसर है। और चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान, कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत कौन सी है, तो ये सूरत बकरा है। व्हाट इज़ द बेस्ट ड्रिंक मेंशन इन होली कुरान, यानी कि वो कौन सा ड्रिंक है जो सबसे बेहतरीन है कुरान पाक के मुताबिक, तो वो है दूध। खाने के हवाले से ऐसी कौन सी चीज़ है जो बेस्ट है कुरान पाक के अकॉर्डिंग, तो वो है शहद। कुरान पाक में वर्ड कुरान कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो ये 70 times रिपीट हुआ है। और कुरान पाक की सबसे लंबी आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 282। कुरान पाक में जो मक्की सूरतें हैं वो 13 सालों में रिवील हुई, यानी कि जो वही नाजल हुई वो 13 सालों के दौरान उसका टाइम पीरियड बनता है। और मदनी सूरत का जो टाइम पीरियड है वो है 10 सालों में इनकी वही नाजल हुई। कुरान पाक का दिल कौन सी सूरत कहलाती है, तो ये है सूरह यासीन। कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसमें वरासत के मसाइल को डिस्कस किया गया है, तो वो है सूरत निसा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वरासत का। हाउ मैनी सूरत आर इन चैप्टर 30, यानी कि उस पारा नंबर 30 में कितनी सूरतें हैं टोटल, तो ये है 37 सूरतें हैं। और कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें शादी के मसाइल को डिस्कस किया गया है, तो ये है सूरत निसा। इसके अलावा वो कौन सी सूरत है जिसमें हज़रत अली से जिसको रिलेट किया गया है, तो ये है सूरत आदियात। वो कौन सी सूरत है जिसमें अल्लाह ताला के 27 खूबियाँ बयान की गई हैं, ये है सूरह हदीद। वो कौन सी सूरत है जिसमें अल्लाह ताला का नाम 5 दफ़ा रिपीट हुआ है, वो है सूरह हज। वो कौन सी सूरत है जो एक जंग के नाम पे उसका नाम रखा गया, तो वो है सूरह अहज़ाब। कौन सी सूरत है जो कि बिस्मिल्लाह से स्टार्ट नहीं होती, तो वो है सूरह तौबा। और अरुसुदुल कुरान कहा जाता है सूरह रहमान को। वो कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आई है, तो वो है सूरह नमल। और द मोस्ट डिसलाइक्ड हलाल थिंग बाय द गॉड, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से वो कौन सी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जिसको करार दिया गया है लेकिन वो हलाल है, तो वो है तलाक। हाउ मैनी सूरत आर मक्की, यानी कि मक्की सूरतें कौन सी हैं, 86 हैं। मदनी सूरतों की तादाद 28 है। हाउ मैनी सूरत वी स्टार्ट विद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से कितनी सूरतें स्टार्ट होती हैं, तो 5 सूरतें स्टार्ट होती हैं। इनके नाम है सूरह फातिहा, सूरह इनाम, सूरह काफ, सूरह सबा एंड सूरह फातिर। वो कौन सी सूरत है जिसको मदर ऑफ़ कुरान कहा जाता है, ये सूरह फातिहा है। किस सूरह को कुरान का 1/3 कहते हैं, तो ये सूरत इखलास है। हाउ मैनी सूरत आर स्टार्ट विद मुक्ताआत, ये 29 सूरतें हैं जो कि मुक्ताआत से स्टार्ट होती हैं। कुरान पाक में कितने सजदे हैं, तो कुरान पाक में 14 सजदे हैं। और वो कौन सी सूरत है जिसमें कैदियों के हकूक़ के बारे में बात की गई है कि कैदियों के रेगुलेशंस किस तरह से होगी जो जंगी कैदी होंगे, तो ये सूरत निसा में डिस्कस किया गया है। कुरान पाक में कौन से मंथ को बेस्ट मंथ करार दिया गया है, तो ये रमज़ान के महीने को। और बेस्ट नाइट जो कुरान पाक में मेंशन की गई है वो है लैलतुल कदर की रात। और सबसे बड़ा जानवर जो कुरान पाक में मेंशन किया गया है वो है, सबसे छोटा जानवर जो कुरान पाक में मेंशन किया गया है वो है मॉस्किटो। हाउ मैनी वर्सेस आर इन फर्स्ट वही, यानी कि जो पहली वही नाजिल हुई उसमें कितनी आयात थी, उसमें 5 आयात थी। और सूरह अनफाल कौन से साल में नाजिल हुई, तो ये 2nd हिजरी में नाजिल हुई है।
कुरान पाक में टोटल कितने पैगंबरों का जिक्र किया गया है? 25 पैगंबरों का जिक्र किया गया है। और वो कौन सी सूरतें हैं जो पैगंबरों के नाम पे हैं? टोटल 6 सूरतें हैं जो पैगंबरों के नाम पे हैं। इनमें सूरह यूसुफ, सूरह हूद, सूरह इब्राहिम, सूरह नूह, सूरह यूनस और सूरह मोहम्मद। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।